माल सबका कमी नहीं, माल सबका इस जगह पे जो है ना में कमी नहीं है। इधर सामने अरम्बोल बीच हो जाएगा इधर पूरा, उसके इधर कुछ लोग मिल गए। ये सारा कलेक्शन आपको जो है ना इस तरीके का जो है ये लेक ऐसा कुछ दिखता है, यही स्वीट लेक है। और इसी जगह हेवी है, देख लीजिए खतरनाक वाला चढ़ाई है, बालू भी इतना ज़्यादा है कि बस ये बहना जाएगा। अरे सलाह चल इधर बहुत। इस जगह पे स्वीट लेक है, यहाँ देख सकते हो सामने। इस जगह पे प्रॉपर्टी का डिटेल्स वगैरह जो भी कुछ होगा मैं आपको मेंशन कर दूंगा। ये देख लो कुछ इस तरीके का यहाँ पे कॉटेज वगैरह होता है, ढाई तीन हजार वैसे मिलना मुश्किल है लेकिन फिर भी 3500। आरू आरू पीजिएगा तो 500 रुपए का जुर्माना जो है लग जाएगा। यहाँ पे लोग ऐसे कुछ ऐसे और इंजॉय करते, देख लीजिए। चलते चलते अभी हम लोग जा रहे हैं स्वीट लेक की तरफ, और स्वीट लेक जाने के लिए अरम्बोल से आपको सीधा आना पड़ेगा। देख लो ये जो रास्ता है, यहाँ से आपको सीधा ऊपर की तरफ लेके ऊपर की तरफ जाना है। और यहाँ पे आप किसी से भी पूछ लोगे स्वीट लेक जाना है आपको, कोई भी बता देगा, ठीक है। तो ये कुछ रहा अपडेट, और ये देख सकते हो बाघा बोल रहा हूँ अरम्बोल बीच का नज़ारा भाई साहब क्या ही मतलब ख़तरनाक। और देख लो यहाँ के लोग जो है कुछ ऐसे मस्ती इंजॉय करते रहते हैं। और देख लीजिए सामने, देखिए एक मोहतरमा जो है मोबाइल से अपना बॉयफ्रेंड से चैटिंग कर रही है। इनका बॉयफ्रेंड जो है अपना हवा कहीं पे उसको बुला बुला रही है। देख लीजिए यही जो रास्ता है सीधा रास्ता आपको स्वीट लेक की तरफ लेके चला जाएगा, ठीक है। तो जैसा होगा अपडेट करते हैं आपको। ये स्वीट लेक के जाने का रास्ता है, और ऐसा कुछ आपको शॉप वगैरह दिखेगा, शैक्स दिखेगा, क्लब दिखेगा, बैग्स का भी शॉप आपको देख सकते हैं। यहाँ बहुत कुछ आपको मिल जाएगा इस लेक की तरफ जाने के साइड पे आपको। और स्वीट लेक ज़्यादातर लोग इसलिए जाते हैं बिकॉज वहाँ पे जो है बहुत अच्छा फैसिलिटी है नहाने का। तो हम लोग भी जो है ना नहाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि पूरा गंदे हो चुके हैं, एकदम घिनट्टे हो चुके हैं, घिनौने हो चुके हैं। तो वहाँ जाएंगे नहाएंगे और देख सकते हो काफ़ी जो है मज़ा आ रहा है गोवा में भैया। गोवा जाम यहाँ देख सकते हो, की चैन है, बहुत बहुत कुछ कलेक्शन है गाइस। देख सकते हो कपड़ा तो खास कर, और दिखाते पीछे फॉरेनर भी आ रही है, देखिए 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 पीछे देखिए। माल सबका कमी नहीं, माल सबका इस जगह पे जो है ना में कमी नहीं है। लौड़ा मेरा बात मत समझ तो गाने मार लेगा भाई, मार लेगा तो हम भी कम थोड़ी ना है, उठा कर पीछे ले लेंगे हम। तो चलिए स्वीट लेक की तरफ चलते हैं। यही जो रास्ता है देख लीजिए, यही सब रास्ता है मतलब कहने का मतलब यही है रास्ता। देख लीजिए इधर है, उधर सामने अरम्बोल बीच हो जाएगा इधर पूरा, उसके इधर लेफ्ट साइड आना है आपको ऊपर चढ़ के। और ये सारा कलेक्शन आपको जो है ना दुकान आपको दिख जाएगा स्वीट लेक की तरफ, ऐसे एकदम पूरा चाँप के जो है। आइए ये सब बड़ा पेंट लीजिए, ये सब क्या क्या बेच रहा है, देखिए 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 ये सब क्या क्या है साला, चल लड़पट चीज़ सब। देखिए ये सब चश्मा उस्मा है, हमको तो साला यहाँ को चश्मे समझ में आया, बाद बाकी ये सब हुक्का तुक्का लौड़ा मेरे को जरूरी का चीज़ें नहीं है ना। मैं दर चोरी क्या है, अगरबत्ती कुछ तो है भाई। ये देखिए ये पत्थर का बनाए हुए हैं, बहुत कॉस्टली होगा। और यही सब कुछ है आपको स्वीट लेक की तरफ लेके चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं। कुछ लोग मिल गए भाई को, तो हम लोग चलते हैं आगे स्वीट लेक की तरफ, जो भी होगा आपको अपडेट कर देंगे। सो गाइस स्वीट लेक का जो है ना स्टार्टिंग हो चुका है, और देख सकते हो कुछ इस तरीके का जो है ये लेक ऐसा कुछ दिखता है। और हम लोग को जो है एकदम आगे जाना है, अभी आगे जाना है क्योंकि वाटर स्पॉट जो है मतलब वाटर स्पॉट जहाँ पे हम लोग को नहाना वहाना है वो आगे है, तो उस जगह पे भी लेके चलेंगे। और जो भी होगा अपडेट तो करते रहेंगे। सिनेमैटिक शॉट देखिए इस जगह का,
सो गाइस स्वीट लेक जो है ना, ये देखिए, ये सामने दिखेगा आपको, ये रहा, यही स्वीट लेक है और इसी जगह पे अपन जाने वाले हैं। तो दोस्त, स्वीट लेक का जो शुरुआत जो है कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से, और ऐसे हम लोग को ट्रैक करके जाना है और ब्रश वगैरह जो है इसमें ले लिया गया है क्योंकि लेके तो नहीं आए थे। अरे बहुत तो बड़ी हेवी है, देख लीजिए खतरनाक वाला चढ़ाई है, सीधा को पड़ेगा नीचे, और बालू भी इतना ज़्यादा है कि बस। देख लीजिए ये है रास्ता, कठिनाइयों का सामना करते हुए हम लोग धीरे धीरे अपने मुकाम पे पहुंचने वाले हैं। और वेट 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 सो मेनी ट्रैफिक ब्रो। ये देख लीजिए लेक जो है ना, ये पत्थर, लाल पत्थर जो है, आ हा हा, लाल पत्थर हुआ कैसे ज़रा इसका हम तहकीकात, लाल पत्थर हुआ कैसे इसका तहकीकात हम करेंगे ज़रूर। लेकिन देख लीजिए पूरा लाल पत्थर है, अरे किया किया इसकी ये बात, देखिए 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 ये बात, ये बॉय क्या, देखिए क्या व्यू है, ओहो अरे तो पानी है। ये देख लीजिए ये ऊपर है, यहाँ पे चढ़ के आप इस जगह पे बैठ के फ़ोटो ले सकते हैं। कम कम दिस साइड, ये देख लीजिए यहाँ पे जो है दारू पी के लोग फेंक देता है, तो ऐसे ही लोग उठा के जो लेके डाल दीजिएगा डस्टबिन में, ओके। और ये देखिए, अरे बहना जाएगा, अरे सला चल इधर बह जाएगा, उधर ले जाएगा, उधर सला पानी में घूम रहा है बैलवा, पानी वानी घुस गया। देख लीजिए ये रहा, ये जा रहा है डाल ले, अच्छा ये देख लीजिए इसे डाल सकते हैं आप साइड में ले जाकर, क्योंकि ये बीच पे जो है ना पानी के अंदर जो है, ये पानी के अंदर चला जाता है तो किसी को पैर वैर में फूट के लग सकता है। तो ऐसा ही आप लोग देखिए, देखिए ऊपर पैराग्लाइडिंग जो है हो रहा है, ये देखिए। सो दोस्त, स्वीट लेक पे तो पहुंच गए हैं, और स्वीट लेक पे मुझे तो लगता है काफ़ी स्वीट लोग भी आए हैं। देख लीजिए ये देखिए, अरे भाई, तो यहाँ पे जो है हम लोग नहाने के लिए आए हैं। बहुत लोग यहाँ रेस्ट करने आता है, नहीं बहुत लोग नहाने ही आता है, तो वीडियो में बने रहे, चाँप के जो है मज़ा दिलाएंगे आपको। और कोई शैक में चलते हैं और देखते हैं, थोड़ा सिस्टम कुछ बनाते हैं अपना, इसी में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडियन लिखा हुआ है, कुछ इंडियन लिखा हुआ है, इंडियन चाइनीज के लिए ये कुछ यहाँ पे खाना पीना देता है। देख लीजिए ये कुछ ऐसा कुछ एंट्रेंस है, और जा रहे हैं हम लोग ऊपर, पूछ पाछ के बताते हैं जगह पर कैसे। तो यही सब कुछ है, अभी मैं स्वीट लेक पे बैठा हूँ, ये सामने मेरे जो है ना इस जगह पे स्वीट लेक है, यहाँ देख सकते हो सामने, इस जगह पे लोग नहा भी रहे हैं। और ये जो है अरम्बोल बीच के साइड से ही ये सारा, ये जो है रिवर जो है अरम्बोल बीच पे ही पड़ता है ये सारा कुछ, और ये मेरे जहाँ पे मैं बैठा हूँ उस शैक का ये नज़ारा है। तो अभी हम लोग इस स्वीट लेक की तरफ आए हैं, और मुझे कुछ रूम्स वगैरह दिख गया है जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अगर आप कभी इंटरेस्टेड हो रूम लेने के लिए तो इस जगह पे आना। प्रॉपर्टी का डिटेल्स वगैरह जो भी कुछ होगा मैं आपको मेंशन कर दूंगा। ये देख लो कुछ इस तरीके का यहाँ पे कॉटेज वगैरह होता है, और यहाँ पे जो है ना इसका बना होता है, क्या बोलते हैं इसको, बाँस के लकड़ी का कुछ इस तरीके का रूम होता है, और इस ये बैम्बू का ना, ये बैम्बू का बना होता है ये रूम, और ये कुछ इस तरीके का रूम होता है आपका, और ये सारा कुछ ना बैम्बू का होता है ये सारा कुछ। ऐसे ऑन सीजन में क्या रेट रहता है इसका, अभी जैसे 800 रुपये 1000 रुपये 800 हज़ार रुपये नहीं ऑफ सीजन में बता रहे हैं आप शायद, ऑफ सीजन 800 हज़ार रुपये अभी, जैसे अभी के टाइम अभी थोड़ा 2500-3000 वैसे मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी 2500-3000। हाँ अभी ये यहाँ से रूम लेके और ये व्यू ले सकते हो स्वीट लेक का आप। तो इसका जो भी डिटेल्स होगा ना मैं आपको मेंशन कर दूँगा, इसके स्क्रीनशॉट डाल दूंगा मैं, इसका डिटेल्स वगैरह जो भी होगा मैं स्क्रीनशॉट आपको पिक कर दूंगा उससे। तो यही सब कुछ रूम्स वगैरह इस जगह पे अगर आते हो स्वीट लेक के पास, तो आपको 800 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा, ऐसा कुछ मतलब
ये क्या बोलते हैं यार इसको, बैम्बू का बना होता है ये सारा कुछ और इसी टाइप का। लेकिन व्यू आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, ये व्यू आपको मिलेगा स्वीट लेक का। और अच्छा अपना मोबाइल नंबर आप बता दीजिए ना। मेरा नंबर 9527245089। नाम इस रामा हरजी, मेरा नाम रामा हरजी। अच्छा रामा, स्पिरिट ऑफ शिवा, स्पिरिट ऑफ शिवा बार एंड रेस्टोरेंट स्वीट। ओके ओके ओके। सो वेज नूडल्स ऑर्डर किए हैं और पहले वो खा लेते हैं, उसके बाद जाके नहा लेंगे। यार नहाना ही तो है, यहाँ पानी ही पानी है, दिन भर नहाइए रात भर नहाइए, नहाना ही तो है। अब देखें टाइट मार, तो पहले खा लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं स्वीट लेक में नहाएंगे। वैसे नहाने के लिए हम लोग को इस होटल में मिल गया, इधर साइड पे है कहीं, नहाने के लिए हम लोग को मिल गया है जगह, लेकिन देखते हैं। वैसे स्वीट लेक के पास आए हैं तो स्वीट लेक तो आपको दिखाएंगे, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, खा लेते हैं और दिखाते हैं। और स्वीट लेक का जो रास्ता है ना, ये देख लो, ये सामने ये सारा कुछ लेक है और ये सामने स्वीट लेक का रास्ता है, तो इसी से चलते हैं। एंट्री फी वगैरह कुछ तो लिखा हुआ है। सो दोस्त, इस बोर्ड पे जो है लिखा हुआ है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और इसमें जो है आप दारू वारू पीजिएगा तो 500 रुपये का जुर्माना जो है लग जाएगा आपको। सो गाइज, आ चुके हैं स्वीट लेक का स्टार्टिंग पॉइंट पे। आपको कुछ इस तरीके का दिख जाएगा, ये कुछ इस तरीके का स्वीट लेक दिखता है। और आपको आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं आपको, ऐसे यहाँ पे आप बाथ ले सकते हो। तो गाइस, अगर स्वीट लेक आ पाते हो तो कुछ इस तरीके से एंजॉय कर सकते हो, जैसे देख सकते हो सामने। यहाँ खासकर लोग ज़्यादा, जिनका बच्चा जो रहते हैं, जो बच्चा रहता है वो खासकर इस जगह पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना पानी सेक नहीं होता है, है ना। बीच पे अगर जाते हो आप तो पानी ना फ्लो में आता जाता रहता है, तो वहाँ पे डर लोगों का रहता है कि यहाँ पे बच्चे डूब ना जाए या फिर कोई भी मतलब कुछ हादसा ना हो जाए। और यहाँ पे लोग ऐसे कुछ ऐसे और इंजॉय कर, देख लीजिए आप लोग ये। और इस जगह पे अगर आते हो स्वीट लेक के पास, तो इस जगह पे सामने आप देख सकते हो पारा ग्लाइडिंग भी इस जगह पे होता है। Sofa।